नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक नई और क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण, इस टॉपिक के बारे में चर्चा की थी, बात की थी, हमने पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना किस प्रकार से की जाती है वो हम आज के टॉपिक में सीखेंगे, बात करेंगे। आप सभी को रोजाना क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना है। हर बच्चा इन फ्री क्लासेस को पढ़ सकें। और जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है उनको मैं बता दूं कि अभी एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उन्होंने 2 से 3 सप्ताह बताए हैं, तो जैसे ही एप्लीकेशन में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो हम फिर से वहीं पर क्लासेस शुरू करेंगे। बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E इज इक्वल टू 1.6022 इंटू 10^-19। ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बात को ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6022 इंटू 10^-19 सी। अगला पॉइंट नोट कीजिए, थॉमसन के इलेक्ट्रॉन का आवेश या द्रव्यमान का मान (10^11) kg-1। बात को समझिएगा कि थॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन के आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान है 1.75820 इंटू 10^11 kg-1। kg का मतलब होता है किलोग्राम, पता है आप सभी को। अब इसका एक सूत्र निकल कर आता है, टोटल मिलाकर हमें, तो इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, आपको लिखना है, अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम इज इक्वल टू E अपॉन (9.1094×10^-31) kg। ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो इन दोनों से मिलकर निकलता है। आप इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। ये हमारा इतना सा टॉपिक था, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्रोटॉन की खोज, अगला टॉपिक है हमारा, तो उसी पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये।
इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना किस प्रकार से करेंगे, आपको फॉर्मूला पता करना था, तो मैंने आपको फॉर्मूला निकाल कर बता दिया। अगला टॉपिक है प्रोटॉन की खोज। इसमें आपको वन बाय वन मैं जिस प्रकार से पॉइंट बनाकर आपको समझाता जाऊंगा, आपको उसी प्रकार से नोट करना है, तो मेरे साथ में नोट करते हुए बढ़िएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, धनावेशित कण धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। धनावेशित कण क्या होते हैं? धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। इन कणों के, अगला पॉइंट लिखिए, इन कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे ये उत्पन्न होते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि धनावेशित कण जो होते हैं वो धनावेशित गैसीय आयन होते हैं, और इन कणों के आवेश और द्रव्यमान जो होते हैं उनका अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे ये उत्पन्न होते हैं। आवेश और द्रव्यमान उस गैस से, जिस गैस से ये बने होते हैं, उन्हीं पर ये निर्भर करते हैं कि इनका आवेश और द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। अगला पॉइंट थोड़ा सा थ्योरिकल है, आप बुक से थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा थ्योरिकल मैं लिखवा नहीं पाऊँगा, तो आप थ्योरी जो है वो आप पढ़ लेना। चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में इन कणों का व्यवहार कैथोड किरणों के विपरीत है। कैथोड किरणें क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से परमाणु धनावेशित कणों की उपस्थिति को अनुमानित करने के लिए होती हैं, और 1886 में गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया था। कैथोड आपको समझ में आ रहा होगा कि कम दाब पर विद्युत विसर्जन करने पर कैथोड किरणों से विपरीत दिशा में प्रदीप्ति शील किरणें कैथोड के छिद्रों से गुजरती हैं। इन्हें धन किरणें, एनोड किरणें या कैनल किरण नाम दिया है। यह आपके थ्योरी में दे रखा है, प्रोटॉन की खोज आप जैसे पढ़ोगे तो उसमें ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर दे रखी हैं।
अगला पॉइंट नोट कीजिए, इस पर धनावेश का परिणाम इलेक्ट्रॉन के आवेश (10⁻¹⁹) आपको मैंने अभी जस्ट बताया इलेक्ट्रॉन के आवेश का आवेश कितना होता है, उसका मान कितना होता है, तो ये होता है आवेश के बराबर ही है। यदि नलिका में H2 गैस भरी जाती है तो आवेश या द्रव्यमान का मान, इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल का मान अधिकतम (10⁴) ग्राम प्राप्त होता है। सी का मतलब होता है आवेश। ओके, इस प्रकार धनावेशित कण का द्रव्यमान प्राप्त होता है। मॉलिक्यूल या द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से समझिए, द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान इज इक्वल टू 10⁻²⁴ ग्राम। ये होता है धनावेशित कण का द्रव्यमान, इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आज हमने दो टॉपिक के बारे में चर्चा की, ये छोटा सा टॉपिक था, आपको मैंने समझा दिया अच्छी तरह से, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। मैं छोटे छोटे टॉपिक इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, बाकी क्लास लंबी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में,
इस टॉपिक के बारे में आपको समझ में आया है या नहीं आया वो भी बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।